ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते कोपेय सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितिला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाजोग्य प्रणाम। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे ब्रह्म स्तुति। ब्रह्मा जी को जब पता चला कृष्ण ये स्वयं भगवान है तब ब्रह्मा जी भगवान को चरण में गिरते हुए और आंखों से आंसुओं को विसर्जन करते हुए भगवान को स्तुति कर रहे हैं। बल ज्ञाने प्रयासमुद्पास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरितं भवदीयवातां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुभांग मनोभि जे प्रायस अजीत जितापि स्त्रैलोक्यां। ये श्लोक में बता रहे हैं भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब जिनको जीतना बा जिनको पाना बहुत बहुत ही कठिन है। अभी प्रश्न आता है फिर क्या हम उनको पा ही नहीं सकते हैं? तब हम इसको कैसे पा सकते हैं? उसको उपाय हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी बता रहे हैं। बोले ज्ञाने प्रयास मुद्पास्य, बोले उनको पाने के लिए जो ज्ञान का जो प्रयास है उनको त्याग देना पड़ेगा। यहाँ पर एक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को तुरंत भगवान मिलते हैं नहीं है? लेकिन यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ तक भी जो तत्व ज्ञान भी तुमको आपको छोड़ना पड़ेगा। अरे शास्त्र कहता है बगैर तत्व ज्ञान के तो भगवान को जान ही नहीं सकते। सिद्धांत बोलिया चिते ना कर अलस जहा लागे जाते कृष्ण लागे सुदृढ़ मन। तो उसको द्वारा तो भगवान का चरण में दृढ़ मन लगता है। फिर कहते हैं ज्ञान की जो प्रयास तत्व ज्ञान के प्रयास की भी जरूरत नहीं। फिर क्या करनी चाहिए? बोले भुंजा में ज्ञान प्रयास मुद्दुपास बोले नमंत एव जीवंती सन्मुखरित भवदीय वार्ता। कहते एक काम करो जो शुद्ध जो वैष्णव है कहते इनको चरण में रहते हुए उनकी मुखार बिंद से निकली हुई जो कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की धारा जो नित्य निरंतर बरसती रहती है वो कथा रूपी गंगा में ही स्नान करते रहो। जब हम कथा सुनेंगे वो कथा को द्वारा अपने आप ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
कथा में ही सब कुछ होता है। इसलिए कहते भक्त लोग तो जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले तो कथा बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन जब वो कथा बोला फिर 7 दिन तक उन्होंने कथा को उन्होंने बंद नहीं किया, 7 दिन तक कंटिन्यू कथा सुनाते रहे। इसलिए केवल कथा सुनते 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 सारे ज्ञान अपने आप तुम्हें, सारे तत्व ज्ञान अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अलग रूप में कोई तत्व ज्ञान उपार्जन करने का कोई चेष्टा करने का जरूरत नहीं। बोले सुने किया, बोले सन्मुख रीतम, बोले भवदीय वार्ता। कहते कथा सुने कहाँ से? बोले सन, सन मतलब होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, जिसके लिए बताया सतांग प्रसंगात मम वीर्य संवितो भवन्ति हृतिकर्ण रसायन कथा। शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से जब हम कथा सुनते हैं वो कथा बड़ा बलवान कथा होता है। कथा सुनते सुनते श्रद्धा रति भक्ति अपनी आप भगवान का चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोले सन्मुख रीतम, बोले भवदीय वार्ताम, बोले जो कथा सुने, किसकी कथा सुने? बोले भवदीय। तो इसका दो अर्थ कहते हैं, भवदीय मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त उनकी कथा सुने। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री गदाधर पंडित के पास में जाते थे, पूछते थे प्रभु आज हम कौन सा कथा सुनाए, तो महाप्रभु बोलते थे हमें पुनः पुनः भक्तों का चरित्र श्रवण करा। क्योंकि जो हम भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं, कौन सा भक्त कैसे कैसे भजन किया, कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया, भजन में कितने बाधाएं आए, सारे बाधाओं को वो कैसे अतिक्रम किए, और उनका भजन का पद्धति कैसे था, कैसे भजन करते थे, जब किसी भक्तों का चरित्र को हम सुनते हैं उसमें बहुत सारे शिक्षा प्राप्त होता है। क्योंकि विशेष करके भक्ति मार्ग को बताया, भक्ति मार्ग कोटि कंट गरुध बताया, भक्ति का जो मार्ग है करोड़ों कांटा युक्त है, जिसको उपनिषद कहता है खुरस्य धारा निशीत दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। बोले सारे कवि लोग कहते हैं जो भक्ति का जो मार्ग है, बोले खुरस्य धारा, हाँ जैसे ब्लेड की धार होता है, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना तलवा की धार किया तो कट जाता है, कहते उसी तरह भक्ति जगत में भी बड़े सावधानी से चलना पड़ता है। लेकिन जब हम भक्तों का चरित्र को सुनते हैं, भक्तों का चरित्र से हर तरह का शिक्षा हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोले भवदीय वार्ताम, कहते एक तो भगवान भक्त है, कहते और उसको साथ में भवदीय मतलब भगवान का जो भगवान है, कहते भगवान को छोड़ करके भक्त नहीं होते और भक्त को छोड़ करके भगवान नहीं होते, ये दोनों एक और परिपूरक है। जहाँ भगवान होगा भक्त होगा तो भगवान वहां थे, और जब भक्त नहीं होगा भगवान नहीं हो सकता, भगवान होगा तो भक्त कभी हो ही नहीं सकता है, हैं? दोनों दोनों को छोड़ कर नहीं। इसलिए भवदीय वार्ताम, कहते ज्ञाने प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम। बोले जीवंती, बोले जीवंती का मतलब बोले जिनकी कथा ही जीवन है, जैसे हमारा अन्न ही जीवन है, रोटी जीवन है, अगर एक टाइम में अगर रोटी नहीं मिले, हाय रोटी हाय अन्न, सारा दिन रोटी का मुंह देखा नहीं, चावल अगर अन्न का मुंह देखा नहीं, कहते उसी तरह जो लोगों का जीवन ही कथा है, अगर कथा नहीं सुने तो उनको ऐसे लगे जैसे आज सारा दिन कुछ किया ही नहीं हमने, क्योंकि हमने जीवन में कथा ही नहीं सुने है। इसलिए जिन्होंने जीव कथा को ही अपना जीवन ही कथा को माने, कथा को ही अपना जीवन माने, जैसे कथा का जब समय होता है कथा सुनते 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 ऐसे नशा होनी चाहिए, उसको बताए ऐसे नशा होनी चाहिए जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है, अगर शराब पीने का समय होना फिर उसको बेचैनी सी हो जाती है, जब तक वो शराब नहीं पिएगा उसको चैन नहीं पड़ता है, वो शराब पिएगा फिर जाकर उसको चैन पड़ता है। अगर उसी तरह जीवन को ऐसे बनानी चाहिए, जब तक हम कथा नहीं सुने समय हो गया
इस समय कथा होती है, हर घर का काम ठोक करके भास कथा के समय पर पहुंचनी चाहिए। इसलिए अगर कथा ही जिसने अपना जीवन को सर्वस्व बना लिए है, कथा ही जीवन की सर्वस्व होनी चाहिए। बोले सन्मुख जीवन थी ज्ञाने प्रयास मुदुपास नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम। बोले स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम, कदि जो कथा सुने बोले स्थाने स्थिताम, बोले कहां पर रहकर कथा सुने, बोले जहां पर वैष्णव जन है, जहां पर वैष्णव है गुरुदेव है उनकी चरण में रहकर के कथा सुने। कभी कभी कोई लोग सोचते हैं अरे इसी तीर्थ में जानी चाहिए, उसी तीर्थ में जानी चाहिए, उसी तीर्थ में जानी चाहिए। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं मन तो तीर्थ सतारत अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया है, तुम्हें चाहो भ्रमी बारे ऐसा कल बारे बारे मुक्ति लाभ करिवार तर। भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, ये चाहता है कभी अयोध्या जाए, कभी मथुरा जाए, कभी काशी जाए, कभी कांची जाए, कभी घूमे। लेकिन भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं से सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थ न करे। जो कहते तीर्थ भ्रमण करते करते मन स्थिर हो जाएगा, कहते बल्कि वो मन चंचल हो जाता है, आज वहां पर गए कल वहां जाने चाहे, कल वहां जाने गए तो वहां जाने चाहे, बल्कि मन सबसे ज्यादा चंचल हो जाता है। इसलिए कहते जथा साधु तथा तीर्थ स्थिर कर निज चित्त। इसलिए तीर्थ कहाँ पर है, बोले जहाँ पर साधु है, जहाँ पर भगवान की कथा है। इसलिए भागवत में बताया सर्वाणि तीर्थानि बसंति तथा जथा चुतादर कथा प्रसंग। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते जहाँ भगवान की कथा हो रही है, अगर वो कथा रूपी गंगा में कोई स्नान कर लिया तो समझो हम सारे सर्वाणि तीर्थानि बसंति तथा, कहते सारे तीर्थ में वहीं पर ही स्नान हो गया है। बल्कि तीर्थ से स्नान करने से भी ज्यादा महत्व कथा रूपी गंगा में स्नान करना, क्योंकि तीर्थ में स्नान करने से केवल थोड़ी पाप दूर होता है, फिर दोबारा पाप करना शुरू कर देते हैं। हाथी स्नान के बराबर, हाथी को अच्छे तरह से स्नान करा दो, हाथी स्नान करके फिर जब तालाब से उठता है फिर धूल ढूंढता है, फिर सारे धूल को लेकर फर्र कर घबराएगा लगाएगा, फिर जाकर के जाता है। तीर्थ ठीक ऐसे है, तब तक पवित्र रहते हैं जब तक तीर्थ भ्रमण करते, फिर आकर के फिर वही पाप करना फिर कर शुरू कर देते। लेकिन कथा रूपी गंगा में स्नान करने से कहते सारे तीर्थ में तो नहाना हो गया, उसको साथ साथ में हृदय का जो मलिन भी दूर हो जाता है। ये जो मन है भगवान के चरण में ये मन लग जाती है, फिर तो 24 घंटा भगवान की भजन करते रहते हैं। और महाप्रभु कहते हैं जब श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास में आए, बोले प्रभु हम नीच जाति नीच कर्म किया है, हमारा जैसे अधम दुनिया में कोई है ही नहीं। महाप्रभु नहीं, तुम दोनों का मुखारविंद से कृष्ण नाम निकल रहा है। बोले क्षण क्षण कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, कहते हरिनाम कौन कर सकता है, बोले जिसने पूर्व जन्म में 4 काम कर चुके हैं, बोले सारे तीर्थ जो घूम चुके, सारे दान जो कर चुके, सारे यज्ञ जो कर चुका, जो सारे तपस्या कर चुके हैं पूर्व जन्म में, उसी की जुहा के अग्र में कृष्ण नाम कीर्तन करता है। महाप्रभु कहते तुम लोग कीर्तन कर रहे हैं मतलब है, हरिनाम कर रहे हैं मतलब तुम शूद्र नहीं, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारी जुहा को अगर भगवत नाम कीर्तन हो रहा है। इसलिए साधु संग से जी भगवत भजन में लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए स्थाने स्थिताम, भले रहने कहाँ पर है, जहाँ पर वैष्णव लोग भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी की धारा प्रवाहित करते हैं वहीं पर रहो। भले तीर्थ घूमने का, ज्यादा तीर्थ घूमने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते जे तीर्थ वैष्णव नहीं से तीर्थ ते नहीं जाए किला भाटिया दूर देश, जिस तीर्थ में वैष्णव लोगों का संग नहीं कहते वहां जाने का कोई जरूरत नहीं। इतना दूर चल चल कर जाना, पैसा खर्चा करना और प्यार दर्द होना और उससे लाभ कुछ होने वाले नहीं। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं जथाए वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन। वृंदावन कहाँ पर, बोले जहाँ पर भगवान के भक्त हैं। बोले गिरि तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन,
वहीं पर गिरिराज गोवर्धन, वहीं पर वृंदावन, वहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं, विनोद कहिए भाई भ्रमिया किछु लाभ नाही, वैष्णव सेवन मोर व्रत। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं भैया, तीर्थ में जहाँ पर वैष्णव का संग नहीं, कहते वो तीर्थ जाने का जरूरत कोई नहीं, बस वैष्णव सेवा ही हमारे जीवन का व्रत है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले स्थाने स्थिताम, जहां पर भक्त लोग है वहीं पर रह करके बस भगवान के भजन करो। स्थाने स्थिताम दूसरा अर्थ है, कभी कभी हम सोचते हैं हमारा जीवन में बड़े दायित्व है, अभी तो भजन क्या करेंगे, अभी बेटी की शादी नहीं दिया, बेटा का शादी नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी काम, सारे काम जब निपट जाएगा ना फिर तो हम भगवान की भजन करेंगे। बोले तुम निपट जाओगे लेकिन तुम्हारे काम नहीं निपटेगा, इनको निपटाते निपटाते तुम खुद निपट जाओगे लेकिन ये काम कभी निपटेगा नहीं। इसलिए भगवान भक्तों को ये सोचनी चाहिए, जिस अवस्था में रहने पर हमारे जीवन में सबसे बढ़िया होगा, भगवान हमें उसी अवस्था में ही रखे। अभी जीवन का जो अवस्था, जीवन का ये सबसे बढ़िया अवस्था भी ये है, बस उसी अवस्था में रहो और भगवान की भजन करते रहो। आगे तभी बढ़िया स्थिति आएगा जब भगवान की भजन करेंगे, बगैर भजन किए आगे बढ़िया स्थिति कभी आ नहीं सकती है। बोले स्थान है स्थितम, बोले श्रुति गताम तनुवांग मनोभी, कहते काय मन और वाक्य, कहते ये तीनों को द्वारा भगवान की कथा सुन। प्रश्न है, कथा तो हम कानों से सुनते हैं, कहते यहाँ पर काय और मन और वाक्य, कहते तीनों को द्वारा कथा सुननी चाहिए। बोले तीनों को द्वारा कथा कैसे सुनेंगे, बोले काय मतलब शरीर, बोले जब तक शरीर नहीं जाएगी कथा कैसे सुनोगे। इसका मतलब है जहाँ पर हरि कथा होता है वहाँ जाकर क्या करो, पहले वो स्थान को पहले प्रणाम करो, कथा सुनने वालों को प्रणाम करो, कथा बोलने वालों को प्रणाम करो, वहाँ का धूल शरीर पर लगाओ, हैं, क्योंकि वो स्थान है वो अत्यंत पवित्र स्थान जहाँ पर हरि चर्चा और भगवान की कथा हरि चर्चा होता है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं जेखाने हरि कथा सही काने तीर्थ, तो तीर्थ कहाँ पर है, तो जहाँ पर हरि कथा वहीं पर सारे तीर्थ वहीं पर है, हैं। इसलिए बोले काय मतलब शरीर को द्वारा प्रणाम करनी चाहिए, बोले काय वाक्य, वाक्य मतलब जो कथा हम सुनते हैं वो कथा जा करके दूसरों को भी वर्णना करो, दूसरों को भी सुनाओ, कथा की महिमा दूसरों को जा करके बताओ, दूसरों को भी भगवत भजन में प्रेरणा कराओ। और मन, बोले जब तक मन नहीं रहेगा तो कथा सुन नहीं सकते, इसलिए काय मन और वाक्य ये तीनों को द्वारा क्या करनी चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी प्राय सो जो अजीत जितो त्रैलोक्यान, कहते प्राय करके उनको वशीभूत करना कठिन है, इसका मतलब नहीं उनको वशीभूत कर ही नहीं सकते, उनको जीत ही नहीं सकते, उनको पा ही नहीं सकते, ऐसे नहीं, बोले प्राय करके, हाँ प्राय करके उनको कठिन है। लेकिन श्री ब्रह्मा जी आदि गुरु कहते हैं अगर जीवन को अगर किसी ने इस रूप में अगर जीवन को बिता ले, भक्तों की शरण में रहते हुए और भगवत कथा रूपी मंदाकिनी की में गोता लगाते लगाते स्नान करते करते अगर ऐसे अगर किसी ने अपना जीवन को बिता लेगा तो भगवान अजीत होते हुए भी उसका भक्ति को द्वारा भगवान जीत जाएंगे, उनको तुम प्राप्त कर लोगे। कहते उसको बाद में कहते हैं बोले श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिशन्ति जे केवल बोध लब्धये ते सांगमसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत जथा स्थूल तुषावगतिनाम। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते प्रभु, कहते जो भक्ति का मार्ग है वो बड़ा श्रेय मार्ग है, बड़ा सुगम मार्ग है, भक्ति जैसे सुगम मार्ग जगत में कुछ नहीं है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो भक्ति का मार्ग है ये सबसे सरल मार्ग है, ज्ञान कर्म योग बड़ा कठिन है,
इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं इतना सरल मार्ग भक्ति है जिसको श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतनवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यात तन्मन्ने धीतमुतम। जब उनको पिताजी ने पूछा तुमने गुरुकुल में जाकर के पढ़ा क्या, जो पढ़ने में जो सबसे जो उत्तम विद्या है तुम सबसे उत्तम विद्या हमें बताओ। प्रहलाद ने कहा कहते गुरुदेव ने हमें क्या उत्तम विद्या सिखाया, लेकिन मेरे गुरुदेव तो नारद जी, जब मैंने मातृ गर्भ में था तो नारद जी तो बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाया और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए और विद्या में सर्वश्रेष्ठ उत्तम विद्या किया। तब बास उन्होंने धड़ाधड़ बोले बोले जो व्यक्ति पहले ठाकुर जी के चरण में गुरु जी के शरण में पहले शरणागत हो जाते, शरणागत हो करके हैं क्या करते हैं भगवान की जो भक्ति करते हैं कि तन्मन्य धीत उत्तमम से विश्वनाथ चकुठा को कहते हैं कहते ये ना तरह का जो भक्ति है अगर ना तरह का भक्ति कोई जाजन नहीं कर सकता है, अगर उसमें एक तरह का भक्ति अगर कोई कर ले हैं एक तरह का भक्ति अगर कोई कर लेता है तो उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाता है, नौ तरह करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक अंग साधे के उस साधे बहु अंग निष्ठा है तो उपजय प्रेम कर्म। कोई एक अंग जाजन करता है कोई बहु अंग जाजन करते हैं लेकिन प्रेम कभी से प्रकट होता है। बोले निष्ठा है तो उपजय प्रेम तरंग, प्रेम तभी प्रकट होता है निष्ठा से। बोले श्रवणम, बोले श्रवण को द्वारा किसने प्राप्त किया, बोले श्री परीक्षित महाराज, उन्होंने कुछ भी नहीं किया केवल एक जगह में बैठी करके भगवत कथा श्रवण करते 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 बास गोलोक वृंदावन से विमान आया, बड़े सुंदर गोपी मूर्ति धारण करते हुए उन्होंने सीधा राधा रानी की सेवा में चले गए। बोले श्रवणम, बोले कीर्तनम, बोले कीर्तन को द्वारा किसने प्राप्त की, बोले श्री व्यास की, श्री व्यास देव, उन्होंने और कुछ नहीं केवल भगवान की कथा सुनाते सुनाते उनको भगवत प्राप्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, बोले स्मरण के द्वारा किसने प्राप्त की, बोले प्रहलाद महाराज, बोले पाद सेवनम, बोले लक्ष्मी, बोले अर्चनम, बोले पृथ्वी महाराज, बोले वंदनम श्री अक्रूर जी हैं कहते सख्य, बोले अर्जुन, बोले दास्य, बोले हनुमान, बोले पाद सेवनम, बोले लक्ष्मी। कहते इन लोगों ने केवल एक एक भक्ति का अंग जाजन किया, ज्यादा नहीं, उसको द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर इसलिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं श्रेय श्रीति भक्ति मुदस्य ते प्रभु, हे प्रभु आपका जो भक्ति का जो मार्ग है वो अत्यंत अत्यंत सरल मार्ग है, अत्यंत अत्यंत हाँ भक्ति एकदम सरल मार्ग, लेकिन ये ज्ञानी लोग क्यों ये भक्ति छोड़ करके ये ज्ञान मार्ग में क्यों जाते हैं, सबके सब इतने परिश्रम क्यों करते हैं। इसलिए कहते जो व्यक्ति भक्ति मार्ग छोड़ करके केवल बोध लब्ध है, केवल अपना ज्ञान को द्वारा जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कहते उनका जीवन कैसे जैसे चावल से जैसे तूस जैसे निकल गया, तूस से जैसे चावल निकल गया, रह गया भूसा, अगर भूसा को लेकर जथा स्थूल तुषाव गाती नाम, जैसे भूसा को लेकर अगर भले ही तुम जितने कूटते रहो लेकिन उससे तो चावल निकल गया, उसमें तो चावल तो है नहीं, अगर हजार जन्म तक अगर उसको कूटते रहो कूटते रहो फिर क्या होगा, एक किमण चावल ही नहीं निकलेगा। इसलिए कहते जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को छोड़ करके जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में जाते हैं जिसे केवल तूस को जैसे कूटते रहते हैं लेकिन जीवन में उनको कुछ मिलता नहीं। अगर जो व्यक्ति भगवान का चरण को अनादर करते हुए हैं कहते जो व्यक्ति बहुत उच्च पदों को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन भगवान का चरणों को अनादर करने का नाते तो पतंति अध अनादर तुस्मद अंग्रयो, भगवान के चरण कमल को अनादर करने का नाते बड़े उच्च पद को प्राप्त करते हुए भी वहां से उनको गिरना पड़ता है लेकिन भक्त कभी नहीं गिरता है। इसलिए ज्ञान और भक्ति में यही पार्थक्य है, यही पार्थक्य है, जो भक्त है ना वह सरल है,
भक्त ये सरल जो ज्ञानी वो अपने को विद्वान मानता है, अपने को पंडित मानता है, लेकिन भक्त एक सरल होता है। सरल होने का नाते और भगवान कहते हैं मेरे को तो सरल चित्त वाले बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, कपट मोहे नहीं भाबा, भगवान राम कहते हैं छाल कपट छिद्र मोहे नहीं भाबा, केवल मुझे सरल ही पसंद है। इसलिए एक बच्चा का मन जैसे सरल होता है, भक्त का मन इसे सरल होता है। और जो ज्ञानी ये पुरुष है और जो भक्ति एक स्त्री है, कहते भक्त लोग क्यों इनका पतन क्यों नहीं होता है, ज्ञानियों का क्यों पतन होता है, मतलब ज्ञानी ये पुरुष है कहते, और जो माया ये स्त्री है। इसलिए कहते एक पुरुष के प्रति आसक्त नहीं होता, लेकिन एक पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त हो जाती है, एक स्त्री के प्रति आसक्त नहीं होता है। इसलिए कहते ज्ञान ये पुरुष है होने का नाते ये क्या होता है, जो माया ये स्त्री है, स्त्री होने का नाते ज्ञानी उस माया में आसक्त हो जाता है। लेकिन भक्ति कहती है स्त्री और माया ये स्त्री, दोनों ही स्त्री है, स्त्री होने का नाते कहते स्त्री स्त्रियों में आसक्ति नहीं होते हैं। इसलिए भक्त इसलिए बच जाते हैं और ज्ञानियों का पतन हो जाता है। इसलिए कहते हैं हे प्रभु, आपका भक्ति मार्ग तो अत्यंत अत्यंत सरल मार्ग है। तब यहाँ प्रश्न हुआ, बोले ज्ञान प्रयास मुद्दुपास्य, यहाँ पर प्रश्न है कहते ज्ञान को तरह भगवत प्राप्त हम नहीं कर सकते। अगर प्रश्न होता है फिर हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान हमें कैसे मिलेगा, तो उसको बाद में फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, फिर हम उसको फिर कल सुनेंगे। ब्रह्मा जी इसके ऊपर में कहते हैं कि ठीक है निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।